हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टेलीविजन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में टेलीविजन इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था कि हमारे टेलीविजन इंजीनियरिंग में कौन कौन से यूनिट है और किस यूनिट में कितना क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जिसमें हम लोगों ने कलर टेलीविजन के बारे में देखा, मोनोक्रोम टेलीविजन के बारे में देखा, रिमोट कंट्रोल के बारे में देखा, और रिमोट कंट्रोल के साथ साथ जो स्पेशल सर्किट्स हैं, सीसीटीवी, केबल टीवी, इसके बारे में भी देखा। बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में हम लोगों ने देखा, टीवी रिसीवर के बारे में देखा, टीवी ट्रांसमीटर के बारे में देखा, और टीवी सिग्नल के प्रोपोगेशन के बारे में देखा। इतने सारे यूनिट में हम लोगों को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने थे, जिसके बारे में हम लोगों ने फुल डिटेल में सिलेबस एनालिसिस का चर्चा किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जिन्होंने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके थे, आज क्या है तो हम लोग का सिलेबस स्टार्ट का टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर यूनिट था इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन सिस्टम। तो टेलीविजन सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हम लोग क्या जानेंगे कि टेलीविजन कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे हम लोग टेलीविजन में मोनोक्रोम टेलीविजन से कलर टेलीविजन की दुनिया में आ गए, इसके पीछे किन किन साइंटिस्ट का हाथ है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आए, कौन कौन से डिवाइस आए जिसके कारण से ये पॉसिबल हो पाया कि किसी चलते फिरते फिगर को हम लोग किसी टीवी स्क्रीन पे देख पाते हैं। जैसे अभी आपके मोबाइल के स्क्रीन पे मैं हूं पर मैं वहां नहीं हूं, फिर भी मुझे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यही है क्या टेलीविजन इंजीनियरिंग, कि चलते फिरते फिगर को आपके स्क्रीन पे दिखलाता है जबकि उसके अंदर में कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है प्रिस्टेंस ऑफ विजन। इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा जब हम लोग आगे सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है, तो आगे जब बढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे कि एक फिगर को कैसे रनिंग मोशन में दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का टेलीविजन इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि टेलीविजन इंजीनियरिंग कैसे वर्क करता है और ये इसके शुरुआत कहां से हुआ और अभी हम लोग कहां पे हैं। तो ये टेलीविजन इंजीनियरिंग, टीवी से आप लोग सबको ये अच्छे तरह से वाकिफ है। तो देखिए टेलीविजन का जो बना है वो क्या है, टेलीविजन देखिए TELEVISION, यहाँ पे टेली मीन्स अलग एक वर्ड है और एक विजन अलग वर्ड है। ये टेली और ये विजन, ये दोनों वर्ड जो है क्या है, ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड, ये दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है टेलीविजन। इस टेली मीन्स क्या होता है, तो टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, टेली मीन्स क्या होता है डिस्टेंस, और विजन मीन्स क्या होता है, तो देखना। विजन मीन्स क्या होता है, देखना, मतलब दूरी से देखना, दूर के चीजों को दूर से देखना। जैसे दूरी डिस्टेंस मीन्स दूरी और विजन मीन्स देखना। टेलीविजन कहने का मतलब दूर के वस्तु को हम लोग क्या देख पाते हैं, नजदीक में देख पाते हैं। जैसे मैं आपके पास हूं, नहीं हूं, मैं कहीं और हूं लेकिन आपके मोबाइल पे आपके टेलीविजन के रूप में आपके सामने स्क्रीन पे हूं, तो क्या हो रहा है, मैं कहीं और हूं पर आप उसको देख पा रहे हैं, तो यही हमारा क्या है टेलीविजन। हम लोग के बीच में एक दूरी है फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे आप देख पा रहे हैं, तो वही है दूरी के वस्तु को देख पाना ही क्या कहलाता है, टेलीविजन कहलाता है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, टेली मीन्स होता है डिस्टेंस और विजन मीन्स देखना, कहने का मतलब दूर के वस्तु को देखना, ये क्या कहलाता है टेलीविजन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ये इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं टेलीविजन के बारे में कि कैसे है और ये क्या है। देखिए लिखा हुआ है कि टेलीविजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, टेली और विजन, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा टेली और विजन दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। टेली मीन्स एट डिस्टेंस, कहने का मतलब कोई वस्तु है जो कि क्या है किसी डिस्टेंस पे, जैसे मैं हूं आपसे दूर हूं कि नहीं। और विजन मीन्स क्या होता है, तो विजन मीन्स होता है सीइंग, कहने का मतलब जैसे मैं आपसे क्या हूं टेली पे हूं, मतलब डिस्टेंस पे हूं फिर भी आप हमें देख पा रहे हैं, तो यही क्या है टेलीविजन, यही है हमारा टेलीविजन।
टेलीविजन मीन्स टू सी फ्रॉम ए डिस्टेंस, कहने का मतलब टेलीविजन मीन्स सी फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे क्रिकेट मैच अभी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में सीरीज मैच चल रहा था, टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो उस टेस्ट सीरीज में जो मैच हो रहे थे वो कहाँ हो रहा था, इंग्लैंड में हो रहा था, पर हम लोग इंडिया में अपने घरों में टीवी स्क्रीन पे उस मैच को देख पा रहे थे। तो देख रहे हैं वो मैच कितना दूर हो रहा है, बहुत दूर हो रहा है, फिर भी हम उसको अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है टेलीविजन। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके, ये टेलीविजन। देखिए इसके बाद कह रहा है इट डील्स विथ द ट्रांसमिशन रिसेप्शन फॉर सिग्नल एज ए लाइट और एज वेल एज साउंड। कल के सिलेबस एनालिसिस में मैंने बताया था कि टेलीविजन के अंदर में दो सेक्शंस होते हैं, एक जो आप फिगर देख पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो, जो देख पा रहे हैं उसको कहते हैं वीडियो, और जो मैं बोल रहा हूं ऑडियो जो है वो जो आप सुन पा रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग साउंड। तो हमेशा याद रखिएगा रेडियो के केस में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ साउंड को ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन टेलीविजन के केस में वीडियो और ऑडियो दोनों को ट्रांसमिट किया जाएगा और दोनों को रिसीव किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे मैं यहाँ पे मेरा फिगर भी रिकॉर्ड हो रहा है और इसके साथ साथ इस माइक की मदद से हमारा साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है, जिसके कारण से ये क्या आ जा रहा है, टेलीविजन का पार्ट आ जा रहा है। तो यही है टेलीविजन की खासियत कि हम लोग साउंड के साथ साथ क्या है उसके फिगर को भी देख पाते हैं। तो ये हो गया हमारा टेलीविजन। तो ये जो फिगर है, कोई चीज भी हम लोग देख पाते हैं वो क्या है, लाइट का कॉम्बिनेशन है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि रिसेप्शन ऑफ सिग्नल लाइट एज वेल एज साउंड, साउंड वाले सिग्नल को भी और लाइट, कहने का मतलब वीडियो सिग्नल को भी हम लोग दोनों को ट्रांसमिट करते हैं। और ट्रांसमिट कहने का मतलब टीवी ब्रॉडकास्टिंग जहां से होगा, टीवी स्टेशन जहां पे होगा वहां से साउंड वाला सिग्नल और वीडियो वाला सिग्नल, लाइट वाला सिग्नल, वो दोनों को क्या किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। और जो रिसीवर है आपके घरों में, रिसीवर सेट लगा हुआ है, जो रिसीविंग एंटीना है उसके मदद से उस सिग्नल को क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसमिशन और रिसीवर के द्वारा रिसीविंग का जो प्रोसेस है वो इसमें होता है। कह रहा है कि आफ्टर, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है दोस्तों, मन में एक सवाल उठता है कि सर ये टीवी का कैसे आया सोच। तो इसके पहले मैं बता दूं, एक रेडियो हुआ करता था जी मार्कोनी के द्वारा बनाया गया रेडियो, उस रेडियो में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ साउंड, मैच की कमेंट्री हम लोग सुनते थे। पर जब हम मैच की कमेंट्री सुन रहे हैं तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम साउंड के साथ साथ उस फिगर को भी देख पाते जो मतलब कि बोल रहा है, मतलब कि जो मान लिया जाए कोई गाना गा रहा है तो हम, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा फिगर भी आपको सुनाई देना चाहिए था। अगर मेरा सिर्फ आपका साउंड सुनाई देता, मेरा साउंड सुनाई देता तो क्या उतना अट्रैक्टिव हो पाता, नहीं, लेकिन मेरे फिगर के साथ साउंड है तो अट्रैक्टिव है। इसी मन के ख्याल को कहते हैं मानव जो है ना वो चार कदम आगे की ओर सोचता है। अभी धरती पर है लेकिन देख रहे हैं इसरो कहाँ पे ढूंढ रहा है, तो चांद पे जाने का कोशिश कर रहा है, मंगल ग्रह पे जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये है मानव की प्रवृत्ति कि वो हमेशा चार कदम आगे की सोचता है। तो उसी सोच ने क्या लाया, तो रेडियो के बाद टीवी लाया, रेडियो के बाद क्या लाया, टीवी। टीवी को हम लोग पूरा नाम कहते हैं टेलीविजन, शॉर्ट में टीवी कहते हैं, ठीक है। वही कह रहा है आफ्टर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्ट, कह रहा है कि जब रेडियो ब्रॉडकास्ट सक्सेसफुल हो गया तो मैन स्टार्टेड ड्रीमिंग, कहने का मतलब तो मैन है ना सोचना स्टार्ट किया, सपना देखना स्टार्ट किया कि ऑफ सीइंग पिक्चर टू एट ए डिस्टेंस बट देयर इज सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। देखिए दोस्तों ये सपना जो है, जब हम कोई सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए ना मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो सपने सच करने के लिए बहुत ही परिश्रम की आवश्यकता होती है। क्योंकि उस सपने को जब आप अचीव करने के लिए अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं में से एक था ये टीवी का ब्रॉडकास्टिंग। साउंड वाला सिग्नल क्या होता था, लो क्वालिटी, मतलब लो एम्पलीट्यूड का होता था, उसको हम लोग आसानी से ट्रांसमिट कर सकते थे। पर फिगर वाले में मैंने कल बताया था कि इसमें क्या होता है, CVS कंपोजिट वीडियो सिग्नल, इसमें साउंड और वीडियो सिग्नल ही नहीं, एट ए टाइम में उसमें और भी बहुत सारे सिग्नल्स अटैच होते हैं, जिसके कारण से ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल कहलाता है। कौन कौन से और सिग्नल अटैच होते हैं हम लोग कंपोजिट वीडियो सिग्नल में स्पेशल देखेंगे।
तो जिसके कारण से इसका एम्पलीट्यूड जो हो जाता है बिकॉज सीरियस प्रॉब्लम इन ब्रॉडकास्टिंग द पिक्चर बिकॉज पिक्चर है सेवरल थाउजेंड एम्पलीट्यूड एट ए टाइम। इसके कारण से ये सीरियस होने के कारण से इसका जो एम्पलीट्यूड था वो हंड्रेड थाउजेंड कर रहा हूं 1000 टाइम्स क्या हो जा रहा था इंक्रीज कर जा रहा था, जिसके कारण से इसका जो लेंथ है रील का लेंथ है वो बैंडविड्थ ज्यादा हो जा रहा था और इतने सारे बैंडविड्थ वाले सिग्नल को हम लोग क्या कर पा रहे थे सेंड नहीं कर पा रहे थे। उस समय उतना साधन नहीं था, इतने आज के जमाने के इतना डेवलप नहीं था, जिसके कारण से उसको सेंड करना बहुत ही कठिन था। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ हेंस सेवरल चैनल्स आर रिक्वायर्ड विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें नंबर ऑफ है सेवरल थाउजेंड एम्पलीट्यूड होने के कारण से हमें सेवरल नंबर ऑफ चैनल की आवश्यकता थी जो कि उस समय पॉसिबल नहीं था। आफ्टर 20th सेंचुरी द साइंटिस्ट हैज क्लियर दैट यूजिंग सेलेनियम फोटोसेंसिटिव सेल। देखिए जब 20th सेंचुरी आया तो एक साइंटिस्ट ने फोटोसेंसिटिव सेल लाया और उसका नाम था सेलेनियम। सेलेनियम क्या था तो एक ऐसा एलिमेंट था, एक ऐसा सेल था जो कि उसपे जितना लाइट पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता था, जिसके कारण से किसी लाइट वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर पाना संभव हो पाया। तो धन्य हो इस सेलेनियम फोटोसेंसिटिव सेल की, जिसके कारण से आज हम टीवी देख पाते हैं, किसी फिगर को चलता फिरता देख पाते हैं। तो ये हो गया फोटोसेंसिटिव सेल। उसके बाद ये क्या कर रहा है तो कन्वर्टिंग लाइट फ्रॉम पिक्चर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। याद रखिएगा हमेशा ये जो फोटोसेंसिटिव पदार्थ है सेलेनियम वो क्या कर रहा है तो किसी लाइट वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। और दोस्तों आप लोग मेजरमेंट 2 में पढ़िएगा कि जब किसी एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कोई भी एलिमेंट इसको चेंज करता है तो वो क्या कहलाता है ट्रांसड्यूसर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेलेनियम है लाइक एज ए फोटोसेंसिटिव सेल जो है वो कैसा वर्क कर रहा है तो एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। और ये जैसे ही सिग्नल में को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोस्तों हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर दिए ट्रांसमिटिंग थ्रू वायर, और इसको हम लोग वायर के थ्रू आसानी से क्या कर दिए ट्रांसमिट कर दिए। द इन्वेंशन ऑफ टीवी अराउंड 1927। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, कह रहा है कि जो टीवी का इन्वेंशन हुआ वो 1927 में हुआ और किसके द्वारा हुआ तो जे एल बेयर्ड और एक यूके से थे, जे एल बेयर्ड यूके के रहने वाले और एक सी एफ जेनकिंग जो कि यूएसए के रहने वाले थे। ये सारे पॉइंट है आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आते हैं। देखिए मेरे पढ़ाने का ढंग ही ऐसा है कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ऑब्जेक्टिव इसी के साथ साथ चलता रहूंगा। तो जो भी पॉइंट मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंडिकेट करूंगा उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव आपको 20 में 20 मार्क्स दिलाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम लोग सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी आज से ही स्टार्ट करेंगे, लास्ट समय में, ये नहीं कि जब एग्जाम का डेट आया तब हम लोग सेमेस्टर की तैयारी का स्टार्ट करेंगे। हम लोग पढ़ते भी रहेंगे और पढ़ाई के साथ साथ ये भी जानते रहेंगे कि इस टॉपिक से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा हमें पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1927 में जे एल बेयर्ड और जो कि यूके से थे और सी एफ जेनकिंग यूएसए थे, और इन दोनों ने क्या किया एक टेलीविजन का इन्वेंशन किया। पर जो रियल ब्रॉडकास्टिंग है कहने का मतलब, लेकिन रियल ब्रॉडकास्टिंग ऑफ टेलीविजन सिस्टम इज 1936। टीवी तो बन गया 1927 में, लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग हुआ रियल ब्रॉडकास्टिंग हुआ कहने का मतलब हम लोग टीवी पे देख पाए किसी सिग्नल को सेंड करने के बाद रिसीव करके, वो कब पॉसिबल हो पाया तो 1936 में आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कैमरा एंड सीआरटी। देखिए सीआरटी का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, ये क्या है तो टीवी रिसीवर के स्क्रीन के कारण हो पाता है। और कैमरा ट्यूब क्या है तो कैमरा ट्यूब इस लाइट वाले इमेज को, जो हमारा इमेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है वो कैमरा ट्यूब कर रहा है। इसी कैमरा ट्यूब में फोटो सेंसिटिव मटेरियल सिलेनियम लगा हुआ है
जो कि क्या कर रहा है, इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क कर रहा है। और फिर सीआरटी क्या कर रहा है, तो सीआरटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है और उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसके कारण से आप टीवी स्क्रीन पे क्या वो फिगर देख पाते हैं। तो सीआरटी क्या हो गया, एक आपका वो भी एक ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है। तो याद रखिएगा सीआरटी क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और कैमरा क्या करता है, तो कैमरा लाइट वाला सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, और हमेशा पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल करके देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको मिल जाएगा। तो याद रखना है सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। आप लोगों ने मेजरमेंट वन में सीआरटी सीआरओ के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा होगा थर्ड सेम में। उसके बाद कह रहा है कि इन इंडिया टेलीविजन स्टार्टेड इन 1959। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में तो आ गया था लेकिन इंडिया में कब आया टेलीविजन, तो 1959 ईस्वी में आया। कब आया, 1959 ईस्वी में आया। और जो इंडिया जो है, इंडिया का जो मोनोक्रोम सिस्टम था, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला जमाना, तो मोनोक्रोम जो था उसका क्या है, तो ये 6025B ये कोड है दोस्तों। हर एक कंट्री का जो अपना अपना टेलीविजन सिस्टम का है उसका एक कोड होता है, उसी तरह से इस इंडिया को मिला हुआ जो कोड है वो क्या है, 6025B। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये मोनोक्रोम सिस्टम के लिए है, और हैज बीन एडॉप्टेड, ये किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया है, किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया है, तो यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम को इंडिया एडॉप्ट किए हुए है। इंडिया का ये सिस्टम नहीं है, ये किसका है, यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम का है, और इसको ये क्या किया है, एडॉप्ट किए हुए हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। रेगुलर कलर सिस्टम, मोनोक्रोम तो आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट तो आ गया, लेकिन जैसे ही हम लोग कलर सिस्टम में आए, कहने का मतलब कलर टेलीविजन, सबसे पहले आया था ब्लैक एंड व्हाइट झिलमिलाता हुआ मच्छरों वाला, पता चल रहा है फिगर नहीं दिख रहा है, फिर भी हम लोग कमेंट्री सुनने, मैच देख रहे हैं तो साउंड सुनाई दे रहा है, इसलिए लगे हुए हैं। अब क्या बोला, ये लगा सिक्सर, ये लगा चौका, कमेंट्री इंडिया, ऐसे करके एकदम पूरा आता था। लोग चौके और छक्के के नाम पे उछलने लगते थे, कूदते लगते थे, डांस करने लगते थे, पटाखे छोड़ने लगते थे, थाली पीटने लगते थे और तालियां बजाने लगते थे। ये हर्षोल्लास की कहानी 2011 वर्ल्ड कप 20 T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया जीता था, तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे कैप्टन थे, उस समय का मतलब कि हम भी बचपन में ही थे, उस समय हम भी ने भी देखा था और उस एंजॉय को फील किया था, और आज भी करते हैं, और आज भी आप लोग भी करते होंगे। तो ये टेलीविजन का ही देन है दोस्तों, कि हम लोग किसी दूसरे कंट्री में हो रहे मैच को आसानी से अपने घर बैठे देख पाते हैं। तो ये है कलर टेलीविजन में कब आए, तो कलर टेलीविजन के लिए कब आए, तो 1954 ईस्वी में यूएसए में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले कहा है, तो यूएसए में 1954 ईस्वी में स्टार्ट हुआ कलर टेलीविजन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया में कब आया सर, तो इंडिया में कब आया, वेयर एज फर्स्ट कलर टीवी प्रोग्राम है शोन इन दिल्ली। कब आया, तो दिल्ली में आया, सबसे फर्स्ट शो कहाँ चला था, दिल्ली में 1982 में। और ये जो किस सिस्टम पे है, तो ये पाल सिस्टम पे बेस्ड है। पाल, पाल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना है। पाल का पूरा नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, क्या होता है, तो फेज अल्टरनेट लाइन, क्या फेज अल्टरनेट वाई लाइन, ये याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये है कहानी टेलीविजन की। पहले टीवी क्या होता था, सभी के घरों में नहीं होता था, मेरे घर में भी टीवी नहीं था। लाइट आता था ना दोस्तों, लाइट आता था, तुरंत दौड़ करके जाते थे, कहा तो हाथिम देखे जा रहे हैं, कहा तो सकला का बुम बुम देखे जा रहा है, कहा ताक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो देखे जा रहा है, घरे का नाइट यही सो ले, कहा रे दिन भर जाए थी टीवी देखे, पढ़े लाना हो बैठ पढ़े ला, तो कहे लगी तो सुनेंगे, इतना अच्छा लगता था टीवी प्रोग्राम। क्या आपको लगता था कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग, कि आप लोग को टीवी प्रोग्राम बचपन में देखना अच्छा लगता था या नहीं। तो ये बचपन की चीजें हैं, उस समय हमें नहीं पता था कि ये कैसे वर्क कर रहा है, सिर्फ हम लोग को देखने में मजा आता था, जाते थे बैठते थे देखते थे और खुशी खुशी चले आते थे। पर आज ये दिन आ गया है दोस्तों आप लोगों का, कि जो हमारे साथ देख रहे हैं, जो हमारा अगल बगल का रेडियो है टीवी है, वो कैसे वर्क करता है और कैसे कोई सिग्नल जो है हमारे टीवी के अंदर चलाता है, कैसे मोबाइल फोन पे कॉल लग जाता है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़नी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेज है दोस्तों,
कि इसमें हम लोग को वही कुछ पढ़ना है जो हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन सिस्टम देखा। अब देखिए, आप लोगों को जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन में क्या है, एक एम है। एम क्या है? तो सर जी, हम किसी तरह से डिप्लोमा पास आउट कर जाए और इसरो ज्वाइन कर ले, बार्क ज्वाइन कर ले या फिर डीआरडीओ ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों, इसरो, बार्क, डीआरडीओ, अच्छे अच्छे संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब आती है, वो भी रिसर्चर सेंटर पे आती है, जूनियर साइंटिस्ट की आती है और साइंटिफिक असिस्टेंट की आती है। तो इसको जानने के लिए आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जहां पे कौन कौन से जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आते हैं वो भी आपको बताया गया है। तो ये एम हमारा है, उसी तरह से इस टेलीविजन का भी क्या है, एम है। क्या है? एम है। कहने का मतलब एम ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का एम क्या है। तो जिस तरह से हम लोग अपने फील्ड में एक अच्छा करना चाहते हैं, उसी तरह से ये टेलीविजन भी अपने फील्ड में अच्छा करना चाहता है। कहने का मतलब, जैसे पहले हम लोग का मोनोक्रोम था तो उसमें फिगर अच्छे से नहीं देख पाते थे, कलर टेलीविजन आया तो उसमें फिगर देख पाते थे, बट जैसे एलसीडी आया उसमें उससे भी अच्छा देख पाते हैं, और एलसीडी से अब एलईडी आ गया उसमें और भी अच्छा देख पाते हैं। तो देख रहे हैं ये अपने क्या हो रहा है, तो अपने एम की ओर बढ़ रहा है। टेलीविजन का एम ये है कि हम पिक्चर जो दिखाएं और जो साउंड जो सुनाएं वो लाइक एज ए कैसा हो, नेचुरल साउंड की तरह हो, नेचुरल पिक्चर की तरह हो, जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उसी तरह से दिखा। तो वही है, कह रहा है कि द फंडामेंटल एम ऑफ टेलीविजन सिस्टम टू एक्सटेंड द सीन ऑफ विजन बियॉन्ड इट्स नेचुरल लिमिट। नेचुरल लिमिट्स में जो भी हम लोग देख पाते हैं वो सारा इसमें हम लोग देख पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टेलीविजन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज का ये जो लेक्चर है, आप लोगों को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज्यादा इसका पीडीएफ वगैरह ये सब के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे आना पड़ेगा। और वो आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और किसी तरह के भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग 9204047883 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।